हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट आर एस्क्वल ज्वाइंट्स एंड हाउ वी कैन यूज एस्किल ज्वाइंस एस्क्वल ज्वाइन क्या होते हैं और इसका क्या यूज है फेचिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स फेचिंग डेटा इन फास्टर वेज तो एस्क्वल ज्वाइन की हेल्प से आप मल्टीपल टेबल्स से डेटा को फेच कर सकते हो उन्हें रिट्राइव कर सकते हो राइट right? डेटा तो है? है, है, को फैच करने में डिट्राइव करने में फ्रॉम टू और मोर टेबल दो या दो से ज्यादा टेबल से राइट हुई तो और वो क्या करती है जो टेबल्स होती है उनके रिकॉर्ड को ज्वाइन करके आपको रिजल्टेंट टेबल प्रोवाइड करती है आपको आउटपुट टेबल प्रोवाइड करती है राइट right? ओके okay? तो यहाँ पे एसक्यूएल ज्वाइन क्या है वो क्वेरी जो टू और मोर देन टू टेबल से डेटा को फेच करती है और टेबल्स के रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करके आपको एक न्यू टेबल प्रोवाइड करती है एज अ आउटपुट देर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पॉसिबल सम ऑफ देर तो यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे क्रॉस ज्वाइन कार्टेशन प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं कार्टेशन प्रोडक्ट इज अडरी ऑपरेशन एंड इज डिनोटेड बाय

ओके okay, एक टेबल है आपके पास ए और एक टेबल है आपके पास बी इसमें आपके पास थ्री टपल्स है राइट right? एंड इसके अंदर आपके पास टू टपल्स है ओके okay? तो जो ए टेबल है उसकी जो फर्स्ट टपल है वो पहले इसकी फर्स्ट टपल के साथ कंबाइन होगी राइट फिर ए टेबल की सेकेंड टपल बी की फर्स्ट के साथ कंबाइन होगी फिर ए टेबल की थर्ड टपल है वो बी की फर्स्ट टपल के साथ कंबाइन होगी राइट अगेन प्रोसेस चलता रहेगा राइट right? फिर अगेन आपका जो ए की जो फर्स्ट टपल है वो बी की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी राइट ए की जो सेकेंड टपल है वो बी की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी एंड ए की जो थर्ड टपल है वो बी की सेकेंड टपल के साथ कंबाइन होगी राइट इसको अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगी इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिजल्टेंट टेबल जो रिजल्टेंट टेबल आएगी अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से राइट right? उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे सम ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ बोथ द टेबल्स नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा ए टेबल और बी टेबल के कॉलम्स का सम तो अगर इसमें वन कॉलम है और इसमें वन कॉलम है तो आपके रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम होंगे टू राइट right? टेबल्स मतलब ए जो आपकी टेबल्स हैं उनके रोज का प्रोडक्ट जैसे इसमें क्या है थ्री है राइट right? और बी में क्या है टू तो जो आपकी रिजल्टेंट टेबल आई है उसमें कितनी रोज होंगी उसमें होंगी सिक्स ओके अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपना डेटा बेस ओपन करना है राइट right? तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे डेटा बेस टेबल ज्वाइन नेम से मैं इसको सिर्फ ओपन करती हूँ यूज टेबल ज्वाइन राइट ओके तो मेरा डेटा बेस ओपन हो गया है राइट right? अब इसमें मैंने कुछ टेबल्स बनाई हैं राइट उनको मैं शो कर देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर ओके okay, तो ये मेरी कलर टेबल है देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स ये मेरी शेड्स टेबल है ओके okay? तो हम यहां पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर शेड्स नाउ लुक ये देखो मेरी जो फर्स्ट टेबल है कलर राइट right? उसके क्या थे three, उसके अंदर थी थी क्या right? राइट right? तो जो कलर टेबल है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसने क्या किया फर्स्ट टप्पल आप इसको ले लो फर्स्ट uh, टप्पल ने पहले बी टेबल के uh, जो फर्स्ट टपल है उसके साथ कंबाइन किया ओके okay, ये मान लो आपकी ए है टेबल जो मैंने अभी समझाया था और ये आपकी बी है राइट right? तो ए की फर्स्ट टपल ने बी की फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन किया फिर ए की सेकंड टपल ने बी की फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन किया क्योंकि ये तो बी की फर्स्ट टपल है ना ये बी की फर्स्ट टपल है राइट right? ओके okay, फिर ए की थर्ड टपल ने बी की फर्स्ट टपल के साथ कॉम्बिनेशन किया राइट right? यहाँ पे कौन सा ये हो रहा है कॉम्बिनेशन कार्टिशन प्रोडक्ट और यू कैन सी क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या हुआ अगेन ए की फर्स्ट टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया राइट ओके ए की सेकंड टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया कॉम्बिनेशन एंड फिर ए की थर्ड टपल ने बी की सेकंड टपल के साथ किया कॉम्बिनेशन हियर ओके राइट फिर अगेन ए की फर्स्ट टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया देन ए की सेकंड टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया एंड ए की थर्ड टपल ने बी की थर्ड टपल के साथ किया राइट right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ओके okay? अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे ए में वन कॉलम था बी में वन कॉलम था तो यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट टेबल में कितने कॉलम्स हैं टू ओके सम ऑफ द कॉलम्स और यू कैन से सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द टेबल्स राइट अब आपकी टपल्स कितनी थी दोनों टेबल्स में टपल्स थी आपकी थ्री एंड थ्री राइट तो इनका क्या होगा प्रोडक्ट तो जो रिजल्टेंट टेबल है उसमें कितने उसमें कितनी टपल्स होंगी उसमें होंगी टपल्स राइट right? तो यहां पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टपल्स ओके नेक्स्ट वी हैव इक्वी ज्वाइन ओके एंड इक्वी ज्वाइन इज इन एस्क्वल ज्वाइन कंडीशन दैट यूज द इक्वल टू साइन ओके okay, तो ये एक्वल ज्वाइन कंडीशन है जो किसका यूज करती है इक्वल टू साइन का यूज करती है एज अ कंपेरिजन ऑपरेटर फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड ओके तो जान में ज्वाइन में क्या है इट डिफाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन फील्ड मतलब ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है किस बेसिस पे कि उन दो टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड्स हैं, राइट दो कॉमन फील्ड्स क्या हो सकते हैं आपकी प्राइमरी की एंड फॉरन की राइट ओके तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का स्टेंट बनता है एक टेबल में प्राइमरी की होगी और सेम डेटा दूसरे टेबल में होगा एज अ फॉरेन की राइट इन ऑल द द कॉलम्स फ्रॉम इक्विंग टेबल अपियर इन द आउटपुट इवन इफ दे आर आइडेंटिकल इक्वी ज्वाइन के अंदर जब आप टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों टेबल्स के जितने भी कॉलम्स हैं वो अपीयर करेंगे चाहे बेशक से वो आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो डुप्लीकेट हो फिर भी जितने भी कॉलम्स हैं दोनों टेबल के वो आपकी आउटपुट टेबल के अंदर आएंगे रिजल्टेंट टेबल के अंदर आएंगे ओके वी कैन ऑल्सो गिव टेबल एलियास निक नेम फॉर द टेबल नेम आप टेबल नेम के लिए अगर आपको लगता है टेबल नेम बार बार यूज करना पड़ता है और वो बिग है तो आप एलियास नेम दे सकते हो मतलब उसका निक नेम दे सकते हो एंड फर्दर वी कैन यूज द नेम एनी इन द क्वेरी इन प्लेस ऑफ द टेबल नेम और आप एक बार उसको एलियास दोगे तो मतलब उसका डुप्लीकेट नेम दोगे या निक नेम दोगे तो आप उस निक नेम को बार बार अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हो ओके okay, सिंटेक्स क्या है सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल वन टेबल टू टेबल वन से टेबल टू से वेयर और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो वेयर टेबल की कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट फॉरन की कॉलम के टेबल वन का जो प्राइमरी की कॉलम है वो किसके इक्वल है टेबल टू के फॉर की कॉलम के इक्वल है राइट तो यहाँ पे हम इक्वी ज्वाइन जो क्वेरी है वो परफॉर्म करेंगे और ये इक्वी ज्वाइन क्वेरी की क्या कंडीशन है कि ये दो टेबल्स के बीच में इक्वल टू साइन के हेल्प से क्या बताती है रिलेशनशिप बताती है राइट नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली ओके इक्वी ज्वाइन के लिए हम दो टेबल्स यहाँ पे लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं डेटा इसका शो करती हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल राइट ये आपकी स्टूडेंट टेबल है विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड सेकेंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस ओके okay, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है रोल नंबर एंड नेम एंड सेकंड टेबल आपके पास फीस है जिसमें अगेन दो कॉलम है रोल नंबर एंड फी तो यहाँ पे देखो एक यहां पे मैंने क्या किया है एक कॉलम को आइडेंटिकल रखा है रोल नंबर रोल नंबर राइट right? ओके okay, तो आप अब हम क्या करेंगे इक्वी परफॉर्म करते हैं डॉट रोल नंबर अब जो ए है ना मैंने वो क्या लिया है स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम लिया है तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे ए डॉट नेम तो मैंने स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से नेम लिया राइट बी डॉट फी और फीस टेबल से मैंने फी को लिया राइट फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट ए तो मैंने यहाँ पे स्टूडें सॉरी स्टूडेंट ए हाँ स्टूडेंट ए क्या है? दिया है स्टूडेंट का स्टूडेंट टेबल का एलियस नेम और यू कैन से निक नेम ओके एंड फीस बी और फीस टेबल का एलियस नेम क्या दिया है बी समझ आया सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर क्या है यहाँ पे आप अदरवाइज क्या लिखते हैं स्टूडेंट डॉट रोल नंबर स्टूडेंट डॉट नेम और यहाँ पे लिखते फीस डॉट फी राइट right, तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया स्टूडेंट टेबल का एलियास दे दिया ए और फीस टेबल का एलियास दे दिया बी अब सिंपली हमने ए डॉट रोल नंबर ए डॉट नेम बी डॉट फी दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट ए अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि इसका क्या एलियास नेम दे दो टेबल का स्टूडेंट ए फीस बी राइट वेयर अब यहाँ पे क्या दिखाओगे आप रिलेशनशिप दिखाओगे ए डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है ओके okay. वो किसके इक्वल है वो आपका फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है राइट right? देखो आपका आ गया है ये ये क्या है आपका इक्वी ज्वाइन राइट right? अब देखो आपने ए टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर दिया लिया था तो स्टूडेंट टेबल से आपके पास रोल नंबर आया है राइट right? और आपने क्या लिया था नेम लिया था ओके okay? ओके okay. नेम भी आपका स्टूडेंट टेबल से आया फी आपकी कहा से आई है आपकी फीस टेबल से आई आपने क्या लिया स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर ओके नेम और फीस टेबल से आपने ली फी लेकिन आप क्या करे दो टेबल्स की टपल को ज्वाइन करे तो यहाँ पे कॉमन कॉमन रोल नंबर क्या है आपको कौन कौन से टपल्स एक्सेस करने हैं जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर इक्वल है फी टेबल का रोल नंबर राइट तो टू वाला राइट right? टू वाला आ गया फोर वाला फोर आ जाएगा आपका एंड आपका आ जाएगा फाइव समझ आया आपने कंडीशन क्या दी थी जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है तो आपके पास थ्री रिकॉर्ड्स आएंगे कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे ठीक है तो यहाँ पे रोल नंबर टू नेम आएगा जया और फीस आएगी फोर्टी फाइव हंड्रेड ओके एंड रोल आपकी सेकंड टेबल क्या होगी नेम रोल नंबर फोर नेम दीक्षा ओके एंड फी आपकी फिफ्टी फाइव हंड्रेड राइट एंड थर्ड टपल आपकी क्या आएगी रोल नंबर फाइव नेम प्रणव एंड फी आपकी क्या आएगी फाइव थाउजेंड ओके तो ये आपकी टेबल आ गई है जहां पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है राइट right? अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं जॉइन का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अब हम क्या करें सारे रिकॉर्ड्स ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं ले रहे फीस वेयर कंडीशन लगा देंगे वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर फाइन मैंने क्या लिया फ्रॉम so, स्टूडेंट सारे कॉलम्स आ जाए स्टूडेंट के और फीस के जहाँ पे लेकिन कौन से कॉलम्स आएंगे कौन सी टपल्स इसमें आएंगी कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे बट टपल्स कौन सी आएगी वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू फीस डॉट रोल नंबर जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर की जो वैल्यू है वो फीस के रोल नंबर की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो राइट right? अब यहाँ पे इक्वी ज्वाइन में एक और कंडीशन होती है कि जब आप दो दो टेबल्स को ज्वाइन रहे हो राइट right? दो कंप्लीट टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो जो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं आइडेंटिकल मींस जो सेम है वो भी रिजल्टेंट टेबल में अपीयर करते हैं देखो इसका रिजल्ट एंटर प्रेस करती हूँ अब यहाँ पे देखो ये रोल नंबर किसका है स्टूडेंट टेबल का देन नेम अब यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स ही आए हैं क्यों क्योंकि जहां जहां पे रोल नंबर आइडेंटिकल था दोनों का देखो टू फोर फाइव टू फोर फाइव ओके तो ये रोल नंबर एंड नेम किसका है, है स्टूडेंट टेबल का है फिर रोल नंबर एंड फी किसका है फीस टेबल का है राइट ओके अब यहाँ पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का और रोल नंबर आपका फी टेबल का दोनों आइडेंटिकल है फिर भी ये क्या है रिजल्टेंट टेबल में आए हैं इनकेस ऑफ द इक्वी ज्वाइन राइट ओके okay, और जो जो आपका जो कंडीशन हमने दी थी स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू फीस डॉट रोल नंबर जो तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल हो फी के रोल नंबर के इक्वल हो तो जहां जहाँ पे इक्वल है वहां वहां पे क्या हुआ है डेटा इसने टपल्स को क्या किया है ज्वाइन किया है राइट right? नेक्स्ट ज्वाइन इज ने इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एक्सिस इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन वो ज्वाइन जिसके अंदर अगर आप टू टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो और दो दोनों टेबल्स के अंदर आइडेंटिकल कॉलम्स है मतलब सेम कॉलम्स हैं तो किसी एक टेबल का कॉलम अपियर हो राइट right? ओके okay, जैसे में क्या था दोनों टेबल्स के आइडेंटिकल कॉलम आ रहे थे दोनों टेबल्स के स्टूडेंट का भी रोल नंबर कॉलम आ रहा था और फीस का भी रोल नंबर कॉलम आ रहा था फीस टेबल का भी राइट right? तो नेचुरल के केस में क्या है कि आइडेंटिकल कॉलम दोनों नहीं आएंगे कोई भी एक आएगा राइट इट इज सिमिलर टू द इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है एक्सेप्ट डेट डुप्लीकेट कॉलम्सर इन द इक्ट राइट जैसा है, है बस इसमें एक डिफरेंस क्या है इक्वी ज्वाइन के अंदर आइडेंटिकल कॉलम्स और यू कैन से डुप्लीकेट कॉलम्स अपियर करते हैं रिजल्ट टेबल में बट नेचुर ज्वाइंट केस में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते हैं राइट right? इसको प्रैक्टिकली करेंगे अब देखो मैं यहाँ पे क्वा लिखती हूं सिलेक्ट

ओके okay. आप यहाँ पे क्या यूज करो सिलेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट आप स्टूडेंट और फीस टेबल को, को ज्वाइन करे और कौन सा ज्वाइन है नेचुरल ज्वाइन है तो आइडेंटिकल कॉलम नहीं आएगा दोनों के दोनों टेबल्स के जितने भी कॉलम है वो आएंगे बट जो सेम कॉलम है वो नहीं आएगा राइट कर दो आप एंटर प्रेस देखो आपका रिजल्ट आ गया है लेकिन फी अब यहाँ पे रोल नंबर कॉलम क्या है सिर्फ एक बार आया है देखो राइट और दोनों में क्या है और जैसे इक्विजन में क्या होता था दोनों के टे, दोनों टेबल्स के आइडेंटिकल जो वो होते थे फील्ड्स आइडेंटिकल कॉलम्स होते थे उनकी वैल्यूज मैच होती थी ऐसे ही यहाँ पे वही आइडेंटिकल कॉलम्स ही आए हैं देखो रोल नंबर क्या है दोनों में टू फोर फाइव दोनों में आइडेंटिकल है मतलब दोनों में सेम है रोल नंबर वही रिकॉर्ड्स आए हैं जो दोनों के अंदर सेम है राइट बेस्ड ऑन रोल नंबर कॉलम है वो रिपीटेड है पर नेचुरल ज्वाइन ने क्या किया है रोल नंबर कॉलम को क्या कर दिया है एलिमिनेट कर दिया है सिंगल रोल नंबर कॉलम आएगा फिर आपका नेम एंड फीस इट इज सेम एज द्वारल ज्वाइन एक की तरह ही है बस उसमें एक ही डिफरेंस है कि ये क्या करता है डुप्लीकेट uh, कॉलम्स को इलिमिनेट कर देता है ओके नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट ज्वाइन वेन यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल डैट इज लेफ्ट साइड टेबल लेफ्ट यूज़ so, करते हो दो टेबल के बीच में तो जो फर्स्ट टेबल होती है और आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल होती है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड आते हैं रिजल्टेंट टेबल में आउटपुट टेबल में चाहे वो सेकेंड टेबल से मैच करें राइट हैंड साइड वाली टेबल से मैच करें या ना करें ओके फॉर अनमेड रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल नल इज शोन इन द कॉलम्स ऑफ सेकेंड टेबल और जहां पे फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल के रिकॉर्ड मैच नहीं करते वहां पे सेकेंड टेबल के अंदर क्या आ जाता है नल वैल्यू आ जाती है राइट right? इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ओके okay, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करेंगे तो कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल लेते हैं स्टूडेंट डॉट रोल नंबर स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर नेम नेम, फी नेम कहाँ से लिया मैंने स्टूडेंट टेबल से लिया है और फी मैंने कहाँ से, से लिया है फी टेबल से लिया है ठीक है ओके ये कॉलम्स नेम दे रही हूं मैं फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल है लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन फीस तो देखो स्टूडेंट टेबल क्या है लेफ्ट में है और फीस किस में है राइट right में है और हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट टेबल का जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आएंगे चाहे वो फी टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ मैच करे या ना करे फाइन और हमने कंडीशन दे दी ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कंडीशन क्या है कि जहां पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर क्या हो Fees. Roll number. Find, press enter. देखो आपने क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर आपने स्टूडेंट का रोल नंबर लिया ठीक है नेम और फी फी आपने फी टेबल से लिए फ्रॉम स्टूडेंट अब स्टूडेंट क्या है लेफ्ट में है और आपने कौन सा यूज किया है ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन तो स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल के सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या करेंगे आएंगे चाहे वो फी टेबल के साथ मैच हो ना हो और आपने कंडीशन क्या दे दी कि स्टूडेंट का रोल नंबर किसके इक्वल है फी के रोल नंबर के इक्वल है राइट तो देखो फर्स्ट रिकॉर्ड तो स्टूडेंट टेबल के पांचों रिकॉर्ड आए हैं ओके और हमारे क्या था जो आपकी फी टेबल थी उसमें थ्री रिकॉर्ड्स थे तो जहां जहां रिकॉर्ड मैच नहीं हुए वहां वहां आपके पास क्या आ गया नल आ गया तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइम्स क्या आया है नल और जो तीन रिकॉर्ड्स मैच हुए हैं वो आ गए इसके साथ राइट लेकिन जो आपकी स्टूडेंट टेबल थी उसका कंप्लीट रिकॉर्ड्स कंप्लीट डेटा यहाँ पे आया है जो जो आपने लिया है रोल नंबर एंड नेम फाइन ओके अब इसी क्वेरी को एक बार और करते करेंगे हम यहाँ पे डेटा चेंज कर देंगे मतलब यहाँ पे हम टेबल का अलाइनमेंट चेंज कर देंगे यहां पे हम कर देते हैं फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन कीजिए पहले फीस को रख देते हैं यहां पर तो फीस हो जाएगी आपकी लेफ्ट टेबल फीस ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट ओके इसको हमने रिवर्स कर दिया फाइन ऑन राइट अब देखो अब हमारा लेफ्ट में क्या है फी है तो फी के सारे कॉलम आएंगे राइट right? ओके एंड ज्वाइन के चाहे वो स्टूडेंट टेबल की कॉलम से मैच करे या ना करे फाइन इसको एंटर प्रेस करते हैं तो देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपके फी टेबल के अंदर थ्री कॉलम्स थे तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आए हैं थ्री पहले आपके आए थे Five. क्योंकि आपने को क्या रखा था? आपने स्टूडेंट स्टूडेंट को को रखा रखा था था लेफ्ट में तो स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आए अब आपने रखा है फीस को लेफ्ट में तो आपके क्या हुआ है फीस टेबल के सारे के सारे रिकॉर्ड्स आए हैं राइट right? तो ये आपके फी टेबल के आई उसमें थ्री रिकॉर्ड थे तो यहाँ पे थ्री रिकॉर्ड वो अपेयर कर रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के थ्री रिकॉर्ड जो मैच हुए हैं वो आए हैं ओके राइट right? कि जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर फी रो के रोल नंबर के इक्वल है वो रिकॉर्ड्स आए हैं जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आए हैं फाइन नेक्स्ट वी हैव राइट ज्वाइन राइट ज्वाइन वर्क जस्ट लाइक द लेफ्ट ज्वाइन बट विद टेबल ऑर्डर रिवर्स कैसे वर्क करती है लेफ्ट ज्वाइन की तरह ही वर्क करती है बट यहाँ क्या टेबल का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है क्या हो जाता है यहां पे राइट टेबल टेबल के के सारे -की सारे आएंगे रिजल्टेंट में ओके ऑल द रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल जब आप राइट ज्वाइन यूज कर रहे हो तो क्या होगा जो सेकेंड वाली टेबल है फर्स्ट वाली नहीं जो सेकंड वाली टेबल है उसके क्या होंगे विल बी रिटर्न उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे रिजल्टेंट टेबल में वेदर और नॉट देर आर मे

आप ले लो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का हम रोल नंबर ले रहे हैं नेम ले रहे हैं ओके okay, और फी ले रहे हैं फी टेबल से फ्रॉम फीस अब फीस हमने कहा रखा है लेफ्ट में ओके okay, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं राइट ज्वाइन कर रहे हैं राइट ज्वाइन स्टूडेंट तो कौन सी टेबल का पूरा सारे टपल्स आएंगे स्टूडेंट टेबल के क्योंकि यहां पे हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है कंडीशन देते हैं ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर ओके तो यहाँ पे कौन सा कौन से टेबल के टपल्स आएंगे सारे रिकॉर्ड्स आएंगे कॉलम्स आएंगे वो आएंगे स्टूडेंट टेबल के राइट और फीस चाहे वो फीस टेबल के साथ मैच हो ना हो और जहाँ पे मैच नहीं होंगे वहां पे फर्स्ट टेबल में मींस फीस टेबल में नल वैल्यू आ जाएगी एंटर प्रेस करो देखो यहाँ पर फीस टेबल के अंदर आपके थ्री रिकॉर्ड्स थे तो जहाँ पे रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए हैं वहां पे नल वैल्यू आ गई है राइट और आपके स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए हैं दोनों कॉलम्स आए हैं और सारी टपल्स आई हैं ओके अभी इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं दोबारा से इसमें हम लेंगे रोल नंबर नेम फी ठीक है फ्रॉम अब फ्रॉम के अंदर पहले मैंने फी को लिया था लेफ्ट में अब मैं स्टूडेंट को दे देती हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट एंड यहाँ पे राइट ज्वाइन में यहाँ दे देती हूँ फीस फीस अब किसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे फीस के रिकॉर्ड्स आएंगे राइट फीस में जितने रिकॉर्ड होंगे उतने आएंगे फाइन ओके okay, अब आप यहां पे देख सकते हो फी फी के अंदर थ्री थे फी, जो आपकी फीस टेबल थी उसके अंदर थ्री रिकॉर्ड्स थे ओके okay, और यहाँ पे रोल नंबर का मैच करके उतने ही रिकॉर्ड्स आपने एक्सेस किए राइट अलोंग विद स्टूडेंट टेबल तो ये दो कॉलम किसके हैं स्टूडेंट टेबल के हैं और ये फी का कॉलम है और दोनों को मैच करके कितने रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड थ्री रिकॉर्ड्स क्योंकि फीस कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स थे थ्री रिकॉर्ड्स ओके okay? Okay everyone now we will meet in next video if you like my video please like it share it and subscribe my channel thank you